क्लास टेंथ की इंग्लिश की आज टाइगर इन द जू। आज टाइगर इन द जू का हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर सेंट्रल आइडिया, और सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार। तो इस पर हम केंद्रीय विचार करने वाले हैं कि ये जो पोयम है क्या कह रही है इस वीडियो के अंदर, ये जो पोयम है इसका मतलब क्या है, ये देखिए। तो कैसे हम इस इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं वो देखिए। द पोयम अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू जो पोयम है ना इज कंपोज्ड बाय, ये ध्यान रखना, कंपोज्ड बाय का मतलब होता है लिखी गई है। ये बन गया सेंटेंस पैसिव वॉइस का, क्योंकि बाय आ गया और वर्ब की आ गई थर्ड फॉर्म। कंपोज्ड बाय ये लिखी गई है वाई लेस्ली नॉरिस के द्वारा, कोई लेस्ली नॉरिस पोइट है, ये लिखी गई है इनके द्वारा, ये जो कविता है। ये बताते हैं क्या इसके अंदर, ये टाइगर के बारे में बताते हैं कि एक जो जू का टाइगर होता है वो कैसा होता है, और एक जंगल का होता है वो कैसा होता है, कैसे रहते हैं वो। इन दिस पोयम द पोइट जो कवि है इज ट्राइंग टू, वो कोशिश करते हैं, ट्राइंग टू कोशिश करते हैं कॉन्ट्रेस्ट प्रकाश डालने, हाँ वो कोशिश करते हैं प्रकाश डालने की, टू कॉन्ट्रेस्ट प्रकाश डालने की। अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू किस पर, इस पोयम पर क्या करते हैं प्रकाश डालने की वो कोशिश करते हैं। विद द टाइगर, एक टाइगर पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट, इट्स इसकी ये रियल वास्तविक नेचुरल हैबिटेट होती है, प्राकृतिक आवास होता है, जैसे वो रहता है ना जंगल में, उस प्राकृतिक आवास के बारे में ये बात कर रहे हैं। ओके, आगे है इन ऑर्डर टू, के संदर्भ में, के संदर्भ में या इस बारे में क्या बता रहे हैं, अगर देखें इन ऑर्डर टू के संदर्भ में। सो वो दिखाते हैं द कॉन्ट्रोडिक्शन विरोधाभास दिखाते हैं, विरोधाभास का मतलब होता है कुछ अपोजिट पन जो होता है ना, अपोजिट हो जाना किसी के, तो वो होता है कॉन्ट्रोडिक्शन, विरोधाभास दिखाना। आगे है द पोइट शिफ्ट्स, जो पोइट हैं वो शिफ्ट्स स्थानांतरित कर देते हैं, शिफ्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, शिफ्ट्स कर देते हैं द सीन दृश्य को फ्रॉम द जंगल, कहां पर स्थानांतरित कर देते हैं जंगल की ओर, जो दृश्य होते हैं वो कहां जंगल की, हाँ जंगल से, जंगल टू द जू, वो जंगल से दृश्यों को, जंगल से दृश्यों को जू की तरफ स्थानांतरित कर देते हैं, किसको, सीन को, दृश्यों को। आगे है द पोइट वॉन्ट्स, जो पोइट है वो वॉन्ट्स चाहते हैं, क्या चाहते हैं, टू शो दिखाने के लिए द डिफरेंस, अंतर को दिखाना चाहते हैं वेडविन के बीच द टू इन्वायरमेंट्स, इन्वायरमेंट्स का मतलब होता है पर्यावरण, जैसी कंडीशन में कोई रहता है और वहां का जो आवास होता है उसको, चारों ओर का जो एरिया होता है ना उसको बोलते हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो टू इन्वायरमेंट्स के बारे में बताते हैं कौन, जो पोइट हैं, और पोइट हैं हमारे यहाँ पर लेस्ली नॉरिस। तो यहाँ पर जो लेस्ली नॉरिस पोइट हैं ये बताते हैं किसके बारे में, कि एक जंगल का शेर कैसे रहता है और एक जू का शेर कैसा रहता है, उनके प्राकृतिक आवास कैसा होता है और किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते हैं, इस सेंट्रल आइडिया के अंदर यही बताया गया है।